Good morning, students. In our last lecture, we discussed about electric charge, its properties and comparison of charge with mass. किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो मास भी ट्रांसफर होता है, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि मास हमेशा कंजर्व नहीं रहेगा. तो बेटा ऐसा है, इसका आंसर ये है कि आपने प्लस वन में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन पढ़ी थी. उसके अंदर हमने एक रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ा था, जहां पे हमने ये बताया था कि फ्यूल की टर्म्स में देयर इज अ सम लॉस ऑफ मास, दैट मींस इन दैट केस मास इज नॉट कंजर्व. तो जरूरी नहीं है मास कंजर्व होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द केसेस. यानी कई ऐसे केसेस हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल आप अगर हम लेते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कह सकते हैं कि मास इज नॉट कंजर्व, मैक्रोस्कोपिक पे हम कह सकते हैं मास इज कंजर्व, या फिर जैसे रॉकेट का हमने अलग से सेपरेट केस लिया था, उसमें मास कंजर्व नहीं था. तो हमारे पास ये केसेस होते हैं अलग अलग, किसी केस में हम कंजर्व लेते हैं, किसी में नहीं. जहां पे मास कंजर्व यानी लो या फिर मास के लॉस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वहां पर हम क्या करते हैं, मास को कंजर्व मान लेते हैं. क्लियर है? अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एक पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है. तो आज हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज. तो हमारे पास तीन मेथड है चार्ज को ट्रांसफर करने के, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय कंडक्शन. बाय कंडक्शन मीन्स बाय कॉन्टेक्टिंग, दैट मीन्स दो बॉडी को हम कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे और उसमें क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा. इसको करने से पहले एक कंडीशन बताते हैं आपको कि जब आप दो बॉडी को कॉन्टेक्ट में लेके आते हो, दैट टू बॉडीज मस्ट बी कंडक्टर. वो दो बॉडी जो है वो क्या होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए. यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है ए. ए क्या है, चार्ज कंडक्टर. यानी चार्ज है और कंडक्टर है. चार्ज सपोज करो हमने क्या लिया, नेगेटिव भी चार्ज है, ठीक है. फिर इसके साथ हमने टच की दूसरी बॉडी को, बी बॉडी, दैट इज न्यूट्रल या फिर आप कह सकते हो अनचार्ज कंडक्टर. अनचार्ज कंडक्टर तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, कंडक्टर है, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन. जहां पे हाई कंसेंट्रेशन है वहां से लो कंसेंट्रेशन में क्या कर जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे. तो यानी ए से बी की तरफ क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा. अब सपोज करो यहां पे कितना है चार्ज, है 6 माइक्रोकूलम. पहले जब हमने इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाए तो दोनों पे चार्ज कितना आ गया, 3 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम. तो क्या जरूरी है हर बार हाफ होगा, इफ टू कंडक्टर्स आर ऑफ सेम साइज, सेम शेप एंड सेम मटेरियल, तब क्या होगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी हाफ हाफ हो जाएगा. अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसका, सपोज करो हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है या तीन कंडक्टर है, ए बी सी. ए पर कितना है सपोज 6 माइक्रोकूलम, उसके बाद बी हमारे पास क्या है, अनचार्ज है. सी पर कितना है, 7 माइक्रोकूलम. तो पूछता है सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कम्स इन कॉन्टेक्ट विद बी, देन रिमूव फ्रॉम ए एंड देन बी टच विद सी. कैलकुलेट चार्ज ऑन ए बी एंड सी. तो हमें तीनों पर चार्ज कैलकुलेट करना है. ए पर कितना है, 6 माइक्रोकूलम है, उसको हमने बी के साथ टच किया तो ए पर कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोकूलम. बी पर कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोकूलम. दोनों में क्या हो गए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. फिर बी को किसके साथ टच किया, सी के साथ. जब बी को सी के साथ टच करोगे, सी पर ऑलरेडी कितना है, 7, बी पर कितना है, 3, टोटल कितना हुआ, 10, 10 का हाफ 5. तो बी पर और सी पर कितना हो जाएगा, बी पर हमारे पास आएगा 5 माइक्रोकूलम और सी पर कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम. तो सारे प्रोसेस के बाद ए पर चार्ज रहेगा 3 माइक्रोकूलम, बी पर 5 माइक्रोकूलम,
C per 5 microcoulomb. So this is the way to transfer charge, that is by conduction. यानी दो बॉडी को, दो कंडक्टर को टच किया है और उसकी वजह से क्या हुआ है, चार्ज ट्रांसफर हुआ है. क्लियर है? अब बात आती है हमारे पास सेकेंड मेथड की. सेकेंड मेथड है हमारे पास बाय इंडक्शन. बाय इंडक्शन में आप कह सकते हो इट इज विदाउट टचिंग. यानी हमने जो बॉडी सॉरी चार्ज करनी है उसको हम टच नहीं करेंगे, बिना टच के. या फिर आप कह सकते हो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही हम उसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं. तो आप इसको कह सकते हो विदाउट टचिंग. तो हमारे पास क्या है, इसमें कैसे होगा, हमारे पास सपोज करो ये कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है ए, जिसको हमें क्या करना है, चार्ज करना है. अब हमें पता है ये ए है, ये क्या है, न्यूट्रल है. अब न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि ये मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है. न्यूट्रल का यहाँ पे है ये क्या है, देखो आपको भी पता है यूनिवर्स एटम्स से मिलकर बनी हुई होती है और एटम्स में क्या है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव. दैट मीन्स इस बॉडी में भी क्या है, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव चार्ज है. तो न्यूट्रल है लेकिन अनपोलराइज्ड है, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, कंबाइंड है ऐसे. लेकिन जब मैं इसके पास कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आती हूं तो हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा. तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, नेगेटिव चार्ज यहां चला गया. ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये अब चार्ज नहीं हुआ अभी भी, अब क्या है ये न्यूट्रल एंड पोलराइज्ड. यानी चार्ज क्या हो गए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट हो गए. ठीक है, अब इसको चार्ज कैसे करेंगे, ये बॉडी यही इसके पास रखी हुई है जो चार्ज है, इसको हमें दूर नहीं करना, क्योंकि अगर इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे. यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, कंबाइंड. यानी क्या बन जाएगा, अनपोलराइज्ड. तो इसको हमें यही रखना है. अब मैं यहाँ पे क्या लेके आई, दूसरी बॉडी है हमारे पास बी, कंडक्टर है. कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे. यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएंगे. अब तुम कहोगे कि मैडम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ, नेगेटिव ही क्यों होता है. आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ kg. प्रोटॉन पे मास कितना होता है, 1.6 × 10⁻²⁷ kg. तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली क्या है, हैवी है, तो ये इजिली मूव नहीं कर सकता. और कितना हैवी है, ये क्या है, 10⁻²⁷, ये कितना है, 10⁻³¹. तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, हल्का है, लाइटर है एज कंपेयर टू प्रोटॉन. इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बी बॉडी में. तो इलेक्ट्रॉन कहां चले गया, नेगेटिव चार्ज कहां चला गया, बी बॉडी में चला गया. ठीक है, अब इस बॉडी को यही रखेंगे क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया हुआ है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल किया हुआ है. अब इन दोनों बॉडी को क्या कर देंगे हम, सेपरेट. तो ए क्या बन गई हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज, और बी क्या बन गई, नेगेटिवली चार्ज. अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि मैडम ने ये कहा था कि इंडक्शन इज विदाउट टचिंग और यहां पर हमने ए के साथ बी को टच किया हुआ है, तो ये इंडक्शन से कैसे हुआ. देखो इंडक्शन से कैसे हुआ, इंडक्शन से चार्ज सेपरेट हुए उसके बाद हमने ट्रांसफर किया है. और अगर हमें बिल्कुल विदाउट टचिंग करना है तो एक केस और ले लेते हैं हम. उसमें हमने क्या किया, उसमें हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं. हमारे पास क्या है, ये वही है, न्यूट्रल है, इसके पास हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए. पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट, पॉजिटिव को रिपेल. और पॉजिटिव को हम अर्थ कर सकते हैं, अर्थ का मीन क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर ट्रांसफर हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज. ये तो हो गए न्यूट्रलाइज, बच क्या गए, इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स ये वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, अर्थ हो गया, सिर्फ इसके ऊपर कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को
ट्रांसफर कर सकते हैं। अब लास्ट मेथड है हमारे पास बायफ्रिक्शन। बायफ्रिक्शन का क्या मतलब है, 8th क्लास में पढ़ा है फ्रिक्शन। जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। मतलब तब तुमने क्या पढ़ा था, फोर्सेस पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर करेंगे हम बाय फ्रिक्शन। कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास दो सिस्टम है, दो बॉडीज हैं, ये आपस में यहां से टच कर रही है। जब हम इन दोनों बॉडीज को ऐसे मूव कराएंगे यानी रब करेंगे, तो मूव का मतलब हुआ यहाँ पे मोशन है, मोशन यानी यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी है। तो जब इन दोनों बॉडीज को हम रब करेंगे, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी है या इसमें भी है, वो क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी को गेन करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लाइटर होते हैं, यानी उनको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है, दे कैन इजिली मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए है हमारे पास, यहाँ पे बी है। सबसे पहले क्या कहा मैंने, काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स ने क्या गेन किया, थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे, यानी ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी नेगेटिवली है, उसी के अकॉर्डिंग चार्ज क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। जैसे ग्लास रोड पे हमने सिल्क कपड़ा रब किया था, तो हमने कहा था ग्लास पॉजिटिवली चार्ज है, यानी ग्लास से इलेक्ट्रॉन गए थे, सिल्क क्या थी, नेगेटिवली चार्ज, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ए और बी दो हमारे पास बॉडी है। अब डिपेंड करता है कि इनमें दोनों बॉडी में से कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सी नेगेटिवली है। सपोज कर मैं वैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे ए हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, बी नेगेटिवली चार्ज है, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ए से कहाँ जाएंगे, बी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दीज आर थ्री मेथड्स टू ट्रांसफर चार्ज, चार्ज को ट्रांसफर करने के तीन मेथड कौन कौन से किए हमने, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन। कंडक्शन विदाउट टचिंग, इंडक्शन में सॉरी कंडक्शन में हमने बाय टचिंग किया, इंडक्शन में विदाउट टचिंग, और फ्रिक्शन में किया बाय रबिंग। ओके, तो ये हमारे पास मेथड होगी चार्जिंग के, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस। इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस में हम क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस, कि कैसे फोर्स लगते हैं चार्जेस के बीच में। ठीक है, यहां तक आप बेटा रिवाइज करते रहना, साथ में इसके क्वेश्चंस रीड करते रहना। ओके, थैंक यू बच्चे।